नमस्कार मित्रों, आज हम दर्शन करेंगे अमरनाथ गुफा की। अमरनाथ का ये पवित्र गुफा श्रीनगर से 135 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 14,000 फीट की दूरी पर स्थित है। पवित्र गुफा की भीतरी गहराई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर तथा ऊंचाई 13 मीटर है। श्रद्धालुओं का मानना है कि कोई भी अगर इस गुफा का दर्शन कर लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। बात करते हैं यहाँ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहां आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ की पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा हो जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। जनश्रुति प्रचलित है कि इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर शुद्धोजात सुखशिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वो भी अमर कथा सुनकर अमर हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा के नाम से विख्यात हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, अन्य पीसुओं को पीसु टॉप पर और गले के शेष नाग को शेष नाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में एक मुसलमान गरेड़िये को चला था। आज भी चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान गरेड़िये के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी से अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी गुफाएं दिखती है, वो भी बर्फ से ढकी है। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बलटाल से, यानी कि पहलगाम और बलटाल तक किसी भी सवारी से पहुंचे यहां से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। अशक्त या वृद्धों के लिए सवारियों का प्रबंध किया जा सकता है। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बलटाल से अमरनाथ की गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है और यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है, इसलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर ही यात्रा करते हैं। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। बालटाल रूट, अमरनाथ गुफा तक बालटाल से कम समय में पहुंच सकते हैं। यह छोटा रूट है। बालटाल से अमरनाथ की गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है, लेकिन यह रास्ता काफी कठिन और सीधी चढ़ाई वाला है। पहलगाम रूट, पहलगाम रूट अमरनाथ यात्रा का सबसे पुराना और ऐतिहासिक रूट है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में करीब 3 दिन लगते हैं, लेकिन यह ज्यादा कठिन नहीं है।
पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी का आता है, जो पहलगाम बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है। यहां तक रास्ता लगभग सपाट होता है, इसके बाद चढ़ाई शुरू होती है। इसके अलावा स्टॉप 3 किलोमीटर आगे पिस्सू टॉप है। तीसरा पड़ाव शेषनाग है, जो पिस्सू टॉप से करीब 9 किलोमीटर दूर है। शेषनाग के बाद अगला पड़ाव पंचतरणी का आता है, जो शेषनाग से 14 किलोमीटर दूर है। पंचतरणी से पवित्र गुफा केवल 6 किलोमीटर ही दूर रह जाती है। अमरनाथ का इतिहास कुछ ऐसा है। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पर गए, परंतु भोलेनाथ वहां पर नहीं थे। वहां पर सिर्फ माता पार्वती ही बैठी हुई थी। दरअसल देवर्षि नारद एक खास जिज्ञासा को लेकर कैलाश पर्वत पर गए थे। भगवान भोलेनाथ से उन्हें यह पूछना था कि भोलेनाथ गले में मुंड माला क्यों पहनते हैं। जब माता पार्वती से पूछा तो माता पार्वती ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें भी यह पता नहीं है कि भगवान भोलेनाथ मुंड माला क्यों पहनते हैं। जब भोलेनाथ वापस आए तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप गले में मुंड माला क्यों पहनते हैं। भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि हे देवी पार्वती, तुमने जितनी बार मनुष्य का जन्म लिया है, मैं उतनी संख्या का मुंड माला धारण करता हूँ। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मैं तो नश्वर हूँ, पर आप तो अमर हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि ये सब अमर कथा का कारण है। तभी माता पार्वती शिव जी से जिद करती हैं कि हमें भी अमर कथा सुनाएं। भगवान भोलेनाथ कई सालों तक टालमटोल किए, मगर अंततः उन्हें विवश होकर अमर कथा सुनाने के लिए हामी भरनी पड़ी। अब समस्या यह थी कि अमर कथा सुनाई कहाँ जाए। जी हाँ, क्योंकि अगर किसी भी जीव के कान में या जानवर के कान में या राक्षस या असुर या मानव के कान में यह अमर कथा पड़ जाती तो वो भी अमर हो जाता। इसके बाद भगवान भोलेनाथ सोच में पड़ गए। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को साथ लेकर इसी अमरनाथ गुफा में पधारे। जी हाँ, वो आए और माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन वाले दिन पूर्णमासी को भगवान भोलेनाथ स्वयं इस गुफा में पधारते हैं तथा इस बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस गुफा से संबंधित अंग्रेज महादेव की कथा भी काफी प्रचलित है। इसके अनुसार आदि काल में जब संसार की उत्पत्ति हुई थी, तब देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की भी उत्पत्ति हुई थी। तब देवतागण मृत्यु के वश में पड़े हुए थे। तब सभी देवता घबरा कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। उन सभी को मृत्यु का डर सता रहा था, तो वो लोग डर के मारे भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे तथा अपनी समस्याओं का निदान पूछने लगे। इस पर कृपालु भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि मैं आप सभी की समस्याओं का निदान जरूर करूंगा। इतना कहकर भोलेनाथ ने अपने सर से चंद्रमा की कला को उतारा तथा निचोड़ दिया तथा उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवगण, ये आप सबों की मृत्यु की औषधि है। उस चंद्रकला को निचोड़ने के बाद उस चंद्रकला से अति पवित्र अमृत की धारा बहने लगी तथा अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर करके सूख गई। इस पावन गुफा में जो भस्म है, वो इन अमृत बिंदुओं के ही कण थे। भगवान भोलेनाथ द्रवीभूत हो गए तथा देवताओं से कहा, हे भगवान, इस गुफाओं में मेरा शिव स्वरूप यानी लिंग स्वरूप दर्शन किया है। इस वजह से आप सब को मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा। आप सभी शिव स्वरूप को प्राप्त होंगे तथा अमर हो जाएंगे। तथा भोलेनाथ ने कहा कि मेरा यह लिंग स्वरूप तीनों लोकों में अमरेश महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। भोलेनाथ ने देवताओं के भय का नाश किया, तब से उनका नाम अमरेश महादेव पड़ गया। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि माता सती का कंठ यहीं पर गिरा था। इसी तरह तीर्थस्थलों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।